नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे चीनी कंपनियों की, जहां पर मीठी सौगात फिर से मिलती हुई नजर आई है। सरकार की तरफ से कंप्लीट यू टर्न होता हुआ नजर आया, जहां पर जो 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन था, जहां पर इमीडिएट इफेक्ट से चीनी से एथेनॉल नहीं बनाया जा सकता था, वहां पर हमने एक कैप लगती हुई देखी है 17 लाख टन की। लेकिन चीनी शेयर्स में, चीनी एज अ प्राइस में यहां पर कुछ सपोर्ट फिर से बाजारों में लौटता हुआ। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी बरकरार है और पिछले हफ्ते की बढ़त के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी ऑन द हायर साइड हुई है। बाजार ऐसा मानता है कि आगे जाकर यहां पर डिमांड बेहतर हो सकती है, जिसका फायदा प्राइसेस में आता हुआ नजर आया। साथ ही बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश का मौका जो निकल के आया है। आज से लेकर 22 दिसंबर तक जो थर्ड ट्रांश है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, वो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। कैसे हैं मौके और कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मानव प्रभाकर राव, साथ ही श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। हमारे साथ ऑल्सो जुड़ेंगे निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट। लेकिन सबसे पहले ले चलते हैं आपको मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास। असीम, चीनी में पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ है और माना अब ये जा रहा है कि इस हफ्ते जो चीज देखने लायक होगी वो होगी एथेनॉल में प्राइस रिविजन की, जहां पर बी हैवी और सी हैवी एथेनॉल बनने का जो प्राइसेस हैं उसका रिविजन आ सकता है। क्या कुछ आप देख रहे हैं? ऑफ कोर्स कल कैबिनेट मीटिंग भी है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने 7 दिसंबर को गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उसके बाद हमने भी इस मामले को उठाया, शुगर इंडस्ट्री ने भी इस मामले को उठाया। उसके बाद सरकार ने नियमों में थोड़ी सी ढील दी है। जो फूड सचिव है उसके मुताबिक 17 लाख टन चीनी के बराबर का सरकोस उसको अब डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने ये सारा का सारा फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही डिसाइड करेंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कोटा तय करेंगी कि कितनी चीनी कितना उनको एथेनॉल यहां से चीनी कंपनियों से लेना है, दोबारा से रिविजन करके दोबारा से रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करने पड़ेंगे। हालांकि जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया उसमें कहीं भी क्वांटिटी नहीं लिखी है, लेकिन सरकार ने जो कहा है कि उसके मुताबिक 17 लाख टन के आसपास की चीनी का सरकोस जो है उसको आइदर हैवी मोलासेस या फिर शुगर केन जूस के जरिए बनाने के लिए किया जा सकता है। तो चीनी मिलों के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो काफी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सरकार जो फूड मिनिस्ट्री है उसने अपने यहाँ से पल्ला झाड़ लिया, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इसको लागू करना। दूसरी आपने बात की कि रिवीजन की, प्राइस रिवीजन की, बी हैवी मोलासेस और सी हैवी मोलासेस की, तो उसके ऊपर भी लगातार काम चल रहा है। जल्द यूजली सरकार नवंबर में सीजन शुरू होने के पहले ही इसकी मंजूरी दे देती है, लेकिन इस बार चीनी का थोड़ा सा उत्पादन कम देखने को मिला था तो सरकार ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। अभी डिस्कशंस काफी चल रहे हैं, वही देखना होगा कि फाइनल डिस्कशंस में क्या निकल करके आता है। बुधवार को जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उस दौरान इसके अंदर कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया कि इसके लेकर के सरकार कोई नया फैसला इसके ऊपर लेगी। एब्सोल्युटली असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो एक बड़ी खबर आती हुई, जिस तरह से हमने एक रिवर्स डिसीजन यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है। जो 7 दिसंबर को डिसीजन लिया था वो 15 दिसंबर को हमने यहाँ पर खारिज होता हुआ देखा है, लेकिन जैसे असीम कह भी रहे थे कि क्लियरली सरकार अब इससे थोड़ा सा हटती हुई नजर आ रही है, OMCs को इसके ऊपर छोड़ दिया है। नए टेंडर्स किस तरह से निकल के आते हैं उसके ऊपर इंतजार रहेगा। इस हफ्ते की कैबिनेट मीटिंग पर भी आंख रहेगी, ताकि वहां पर जान सकें कि वेदर और नॉट हम यहाँ पर एक प्राइस हाइक एथेनॉल पर आता हुआ देखेंगे या नहीं। क्लियरली सेक्टर की तरफ से उसकी भी मांग हमने यहां पर आते हुए देखी है। दूसरी बड़ी बात जो सरकार के निष्कर्ष में निकल के आई है वो ये कि अब मंथली रिव्यू इसका किया जाएगा। तो जो डिसीजन फिलहाल यहां पर लिया गया है, जनवरी रिव्यू में यहां पर क्या निकल के आता है, किस तरह की क्रशिंग हम देखते हैं उसके ऊपर, नए नंबर्स क्या है उसके ऊपर फिर से यहां पर डिसीजन को कैलिब्रेट किया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात जो हम यहां पर देखेंगे वो ये कि प्राइसिंग को लेकर ही कि यहां पर अब आगे क्या निकल के आता है। हम जानते हैं कि 157 मिलें हैं जो एथेनॉल बनाती हैं, और इसमें से 20 मिल्स ऐसी हैं जो केन जूस का यहां पर एथेनॉल बनाती हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्टेड फिलहाल हैं। बाकी ऑफ कोर्स जहां तक ग्रेन की बात है, एथेनॉल उससे बनता है, बी हैवी से भी बनता है, सी हैवी से भी बनता है, तो काफी हद तक इन सभी चीजों पर आगे जाकर भी नजर रहेगी। आपको बता दें कि पीक क्रशिंग सीजन है और शुगर एज अ सेक्टर यहां पर काफी इंपॉर्टेंट। कुणाल, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से हमने फुल मूवमेंट यहां पर आते हुए देखी है, जैसे एक स्टेप बैक यहां पर सरकार ने इस डिसीजन में लिया है, क्लियरली शुगर रिप्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहा। जी हाँ, ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो शुगर के जो फंडामेंटल है, मेरिट पे ही शुगर के प्राइसेस में तेजी आ सकती है, और ऐसे में अगर क्रशिंग बढ़ता रहेगा फ्रॉम दिस सेक्टर तो गवर्नमेंट ने टाइमली स्टेप लिया है। लॉट ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट मे नॉट लाइक इट, बट
ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा है अभी टाइम बिंग के लिए। और शुगर में इनहेरेंट डिमांड और सप्लाई को अगर आप देखेंगे तो इनहेरेंट शुगर के प्राइस में आगे जाके ध्यान तेजी का ही है और रहने वाला है। सो टाइमली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। इन्फ्लेशन भी एक बड़ा कंसर्न रहता है हमारे कंट्री में आगे जाके, इलेक्शन ईयर है, सो आई थिंक दे हैव टू डू व्हाट दे डिड। एब्सोल्युटली एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर चीनी को लेकर, स्पेशली जिस तरह का सरकार का यहाँ पर फुल बायो एथेनॉल को लेकर जो विजन है आगे जाके, जहाँ आप जानते हैं कि पिछले साल 12% की ब्लेंडिंग थी, इस साल 15% है और 2025-26 में इसे 20% तक ले जाने की एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेट्स हैं। तो क्लियरली थोड़ा सा क्लैशिंग रहा, लेकिन जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर यू टर्न लिया उसका फ़ायदा हमने यहाँ पर बाजार में बनता हुआ देखा। अतुल जी, आप कैसे देखते हैं जो हमने वीकेंड पे नया नोटिफिकेशन आता हुआ देखा? ऑफकोर्स इनिशियल रिएक्शन तो अंदर आ ही चुके हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, चाहे वो न्यू टेंडर्स को लेकर बातचीत है या फिर एथेनॉल की जो प्राइस रिवीजन को लेकर कॉन्वर्सेशन है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये सब तो बातें चल ही रही हैं, पर मैं जरूर आप शेयर करना चाहूंगा। तो ये कि जब ये बैन आया था, इट वाज लाइक अ हैमर तो हम लोगों के लिए, इट वाज। अब इसको जो गवर्नमेंट थोड़ा सा रैशनली सिचुएशन को किया है, तो मैं समझता हूँ दैट शुड बी गुड इनफ फॉर दी इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ। जरूर मेरे को नहीं ये समझ में आ रही कि इंसान में अपने इतना ज्यादा चीनी के दामों को लेके डर क्यों है? या चीनी के दाम तो वही 36-37 रुपए के ऊपर नहीं है, इंटरनेशनली चीनी बिक रही है 65-70 रुपए। तो ये कहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्यों घबरा रहे हो? पिछले साल आप जाना होगा एडिबल ऑयल 100 रुपए वाला तेल बिक गया था, तो हम लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं। तो भी डिस्ट्रैक्ट हुआ है, डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री। और जो तक हम लोगों की इंफॉर्मेशन है कि जो है इस के इंडस्ट्री में और 8.5 भी है, भी सैक्रिफाइस होगी। तो मैं अतुल जी आपसे फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आपका वो पॉइंट काफ़ी वैलिड है कि जब भारतीय बाज़ारों में हम यहाँ पर 40-45 रुपए किलो चीनी देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इमीडिएटली अगर एशियन हमारे नेबर्स भी देखें तो वहाँ पर चीनी के भाव 65-70 रुपए प्रति किलो हैं, तो बहुत चिंता की बात होनी नहीं चाहिए, स्पेशली एट अ टाइम जब एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी यहाँ पर बैन कर चुके हैं, सस्पेंड कर चुके हैं, तो जो भी चीनी अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर है और साथ में एथेनॉल और शुगर को इन सम सेंस यहाँ पर बैलेंस ऑफकोर्स करना होगा। जहां तक चीनी के प्राइसेस की बात है, ऑफ कोर्स यहां पर भी कुछ करेक्शन देखने को मिली है पिछले एक महीने में, सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक यहां पर मुनाफा वसूली है। अतुल जी को फिर से यहां पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक कुणाल आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल एग्री स्पेस में अब यहां पर क्या नजर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की रबी की बुआई हमने देखी है और साथ साथ द फैक्ट कि सर्दी बहुत ज़्यादा फिलहाल पड़ती हुई नज़र नहीं आ रही, अब यहाँ पर मिड दिसंबर है, राजस्थान की बात करें, गुजरात महाराष्ट्र की बात करें, तो टेम्परेचर में डिप उस तरह का है नहीं अभी। जी हाँ, एक वो तो टाइम ही बताएगा कि क्या इम्पैक्ट आएगा, पर हमारा जो एस्टिमेट है, सोइंग के नंबर्स आए हैं, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग। अगर आप कॉटन की बात करेंगे या दूसरे कोई भी विंटर क्रॉप की बात करेंगे, सॉफ्ट कमोडिटी की बात करेंगे जैसे मसाले है, सो जो सोइंग के नंबर्स है दैट इज क्वाइट इंकरेजिंग। वेदर एनोमलीज आर नॉट इन आवर हैंड, बट सोइंग के नंबर अभी तक क्वाइट इंकरेजिंग है। मुझे कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी में फिलहाल, स्पेशली विंटर क्रॉप्स, मुझे कोई भी बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रही है। प्राइजेस में प्रेशर ब्रॉडली बना रहेगा और तेजी का रुझान डेफिनेटली अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, बिकॉज द सोइंग नंबर्स आर वेरी वेरी इंकरेजिंग। ऑल राइट, तो सोइंग नंबर्स यहाँ पर इनकरेजिंग है, तो ओवरऑल एग्री स्पेस को अगर देखा जाए तो बहुत चिंता यहाँ पर अक्रॉस नहीं है। ऑफकोर्स मौसम पर एक ध्यान रहेगा कि विंटर्स यहाँ पर किस तरह से पैन आउट होते हैं, लेकिन अतुल जी हमारे साथ आ चुके हैं। अतुल जी, आपने कहा कि इंडियन चीनी के प्राइसेस कम है, सरकार को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक वो किसी तरह से उनको कन्वे भी किया गया है। अब आगे जाकर क्या कुछ वॉच करेंगे आप, और जहाँ तक एथेनॉल प्राइसिंग की बात है, आपको लगता है इस हफ्ते में हम वो प्राइसेस आता हुआ देखेंगे? देखिए, दो चीज़ें हम लोग जरा वॉच कर रहे हैं क्लोजली। एक बड़ी अतिशयोक्ति है कि हिंदुस्तान में बायोफ्यूल्स को हम लोग एनकरेज करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मोलासेस के एक्सपोर्ट को हम लोगों ने पूरी छूट दे रखी है। तो हम लोगों की तरफ से गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि जो मोलासेस का एक्सपोर्ट है
उसको बैन करना चाहिए। पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 40 लाख टन से ऊपर मोलासेस हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो गई। अभी इनफैक्ट फूड सेक्रेटरी साहब का भी कहना था AGM के अंदर कि ऑलमोस्ट 25% जो इंटरनेशनल ट्रेड है मोलासेस का वो हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। तो मैंने इसमें समझता हूँ ये थोड़ी वो है क्या नाम अतिशयोक्ति। तो एक तो इसको वॉच करेंगे और दूसरा हम लोग जो वॉच करेंगे क्लोजली वो ये है कि मोलासेस बेस्ड एथेनॉल का दाम हम लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसको बढ़ाइए तो जिससे कि मोलासेस बेस्ड एथेनॉल ज़्यादा बने। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद उसमें गवर्नमेंट उसको सीरियसली कंसिडर कर रही है। तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव रहेंगी मैं समझता हूँ। और कितना प्राइस हाइक इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ पर? देखिए हम लोगों का तो कहना ये था कि जो बी एथेनॉल है और सी एथेनॉल इन दोनों का प्राइस एक कर देना चाहिए। पर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि अगर जो 49 का सी एथेनॉल का प्राइस है वो 58-59 इस रेंज में शायद हो सकता है। पर होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। गवर्नमेंट से हम लोगों की इल्तजा जरूर है इस मुद्दे पे। Absolutely. हमारे साथ इस्मा के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रभाकर राव भी हैं। प्रभाकर जी नमस्कार। ऑफ कोर्स एक बड़ा डिसीजन ओवरटर्न होता हुआ ओवर द वीकेंड। हम जानते हैं कि इस्मा की तरफ से काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग्स पिछले हफ्ते यहां पर सरकार की तरफ से हुई हैं। अब जो थोड़ी सी क्लैरिटीज़ हैं चाहे वो टेंडर को लेकर है, प्राइसेस को लेकर है, मंथली रिव्यू को लेकर है, क्या स्टैंड है एज ऑफ नाउ एसोसिएशन का? The association has been representing to lift the ban, which I think partly it has been done. It gives relief to the extent of about 30-33% to those factories who are producing from syrup to ethanol. And as I was hearing my earlier speaker, I think to compensate such losses of because of the under utilization of the capacity, correction of the price to the extent of about 10 rupees per liter for all three categories, the C heavy, B heavy, as well as syrup, I think would go a long way. Currently, this is what is a request from the industry to the government. Mr. Rao, also, अगर हम यहाँ पर overall movement को देखें जिस तरह से देखने को मिली है, यहाँ पर जिस तरह के investments हमने ethanol capacity में आता हुआ देखे हैं, क्या कुछ concerns हैं यहाँ पर इसमें members में? Yeah, actually, the industry members have responded to the call given by the government and the Honorable Prime Minister to make the farmer urja data in addition to annadata. So about 15,000 crores ka investment sab log milke kiya hua hai ethanol banane ka. Unfortunately, this sudden change that happened due to factors beyond anybody's control, this has All right. So clearly 50,000 crores का एथेनॉल में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और कुछ कंसर्न्स यहाँ पर मार्केट्स में जरूर हैं, लेकिन एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन जैसे मिस्टर राव हमें कह रहे थे कि विद इन द एसोसिएशन एंड मिल्स एंड गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर लगातार बरकरार है। मिस्टर राव, अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम डिटेल्स यहाँ पर शुगर एज अ सेक्टर के बारे में बात भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जहाँ पर एक नई ट्रांश आज यहाँ पर लॉन्च हुई है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या रहे डिटेल्स।